इसका और टॉप आता है लेकिन उससे एक नीचे है, उससे एक नीचे है। लेकिन इसमें क्या है, एयरबैग है दो, अच्छा एबीएस ब्रेक है और गाड़ी है 17 की, अच्छा 2017 मॉडल है। हाँ, और चली हुई है 29,000 ओनली 29 चला है ओनली। अच्छा अच्छा, इसका टायर आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, कहीं भी डेंट पेंट नहीं है, पूरा ओरिजिनल कलर है, कहीं से भी स्क्रैच हमको दिखने को नहीं मिल रहा है। आगे से भी थोड़ा देख सकते हैं इसको, गाड़ी को पैर तो बिल्कुल आगे से देख सकते हैं, कहीं भी पेंट नहीं लग रहा है, पूरा क्लीन है गाड़ी, एकदम पूरा वाइट वाइट दिख रहा है। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की ओर। तो सर इसका इंटीरियर, अब इसका थोड़ा सा हम लोग आपको इंटीरियर दिखाते हैं। इसमें चारों पावर विंडो आते हैं और ये आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर कैसा है। रिमोट भी है इसमें, टोटल चीज है इसमें। अच्छा अच्छा, ये आप देख सकते हैं पीछे से इसका लुक, कहीं से भी थोड़ा बहुत हो सकता है पुराना गाड़ी है। गाड़ी तो बिल्कुल अच्छी है, चलने में भी बहुत अच्छी है। अब चलते हैं दूसरा गाड़ी को। ये कौन सा गाड़ी है सर? बोलेरो का बोलेरो है, सेलेक्स है, रेड कलर में, बहुत अच्छा कलर में दिख रहा है रेड कलर में। और इसमें भी पावर विंडो वगैरह। कौन सा मॉडल है? 2012 की। 2012 मॉडल, हाँ फर्स्ट ओनर है वो, फर्स्ट ओनर है, प्राइवेट चला हुआ है, प्राइवेट चला है। अच्छा अच्छा, यही बेनिफिट है कि ये प्राइवेट चला हुआ और ज्यादा नहीं चला हुआ, 73,000 चला हुआ। अच्छा, मात्र 73,000 चला मात्र, इंजन वगैरह तो कभी खुले ही नहीं। अच्छा, इसका टायर भी देख सकते हैं, टायर भी अच्छा कंडीशन में है, कहीं से डेंट पेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है अंदर भी, आराम से चल जाएगा, पुरानी गाड़ी है। अंदर से आप देख सकते हैं इसका इंटीरियर, देख लीजिए इंटीरियर, देख लीजिए एक बार, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंडीशन में है, सीट इसका भी कहीं एकदम फ्रेश है, क्लीन है, पावर विंडो वगैरह सब कुछ है इसमें। अच्छा, चारों पावर विंडो है, चारों है। अच्छा, चारों पावर विंडो है इसमें। सर इसका डिमांडिंग ब्रास क्या रखे हैं? ये 380 का है। अच्छा, 380 का है। अच्छा अच्छा, इसमें अगर कोई कस्टमर हमारे चैनल के थ्रू से आता है तो कोई नेगोशिएट कुछ कम बेसी हो जाएगा ऑन टेबल, अगर बैठ के कुछ बात थोड़ा बहुत हो जाएगा। अच्छा, फाइनेंस भी हम करवा सकते हैं इस। अच्छा, अगर झारखंड से दूसरे स्टेट से, झारखंड छोड़ के दूसरे स्टेट से अगर आते हैं तो उनके लिए फाइनेंस अवेलेबल है कि नहीं है? नहीं, उनके लिए नहीं है, मतलब दिक्कत है। हाँ, अच्छा अच्छा, हो जाते हैं लेकिन दिक्कत है। अच्छा, हम लोग ज्यादा ये में नहीं रहते हैं, मतलब झारखंड के हैं तो अब वो अपना हो जाएगा, उनके लिए हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा फिर चलते हैं दूसरा गाड़ी की ओर। ये कौन सी गाड़ी है? ये बेलोरो DI है। अच्छा, DI मॉडल है। हाँ, 2001 की है। अच्छा, ये फर्स्ट ओनर है कि सेकंड ओनर है सर? फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनर। और इसका जो है री रजिस्ट्रेशन जो है ना, वो किया हुआ है 21-22 तक। अच्छा, 22 तक। हाँ, प्लस इंश्योरेंस भी है, बैटरी नया है। अच्छा, बैटरी भी नया है। इंजन जो है इसका DI है। DI है। हाँ, टायर देख सकते हैं, टायर भी फर्स्ट क्लास है, दोनों चारों टायर, थोड़ा सा आगे हिस्सा वो लग रहा है, पीछे बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। सर ये नया टायर लग रहा है? हाँ। अच्छा, और गाड़ी मात्र जानते हैं 1,45,000 में मैं दे दूंगा इसको, 1,45,000 में। अच्छा, इसमें भी कुछ दूंगा, इसमें भी थोड़ा वो ऊपर नीचे हो जाएगा, मैं भी 2,000-4,000 रुपए इधर उधर हो जाएगा। अच्छा, वो तो ऑन टेबल जो भी है वो अपना कर लेंगे। अब चारों तरफ से गाड़ी को दिखा सकते हैं, वर्कराउंड थोड़ा सा ले लेंगे गाड़ी का। पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है। अच्छा, एसी है, एसी भी है। सिस्टम वगैरह सब भी है इसमें। अच्छा अच्छा, तो ये देख सकते हैं गाड़ी चारों तरफ से बहुत एकदम नीट एंड क्लीन है, फ्रेश गाड़ी, कंडीशन एक नंबर है। अब चलिए देखते हैं गाड़ी का इंटीरियर को, और इंटीरियर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है। सर इसका प्राइस क्या बोले आपने? ओनली 1,45,000। अच्छा, इसमें भी थोड़ा बहुत अगर आप विजिट करते हैं यहाँ पे तो थोड़ा बहुत कम हो ही जाएगा। अच्छा, बहुत सर लोग आते हैं, कम दाम वाले लोग आते हैं कि भाई देहात में चलाना है गाड़ी, तो ये सब गाड़ी जो है भाड़ा में चलता है, देहात वगैरह सब, मतलब आपको हर तरह का यहाँ बजट में आपको कार मिल जाएगी। अच्छा अच्छा, हम लोग के पास में 30,000 से लेके 5,00,000 तक आपको मिले। अभी
एक कांटाटोली चौक से अच्छा बाहुबाजार की तरफ हम लोग आते हैं तो बीच में पेट्रोल पंप है दो टो पेट्रोल पंप फर्स्ट वाला छोड़कर सेकंड वाला के सामने में गाड़ी आपको मिलेगा अच्छा रोडी साइड में। शोरूम का नाम क्या हुआ? शोरूम का नाम भी बता दें एक बार आप। MK मोटर हुआ। तो ये MK मोटर में अगर आप आते हैं तो बहुत सारी आपको गाड़ियाँ एकदम नीट एंड क्लीन और फ्रेश में मिलेंगी और बहुत ही अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे और बहुत ही लो प्राइस में है। तो एक बार आप लोग जरूर विजिट करें यहाँ पे और अपने मुताबिक अपने अच्छे से अच्छे कार को यहाँ से परचेस करें और हर बजट में हम देंगे गाड़ी। अच्छा, जैसे आपको अच्छी से अच्छी गाड़ी देंगे, पेपर वगैरह सब कुछ ओके देंगे, पेपर वगैरह सारा कुछ ओके रहेगा। कस्टमर भैया हम लोग का भगवान होता है। हाँ, और उसको हम नाराज नहीं कर सकते। हाँ, बात सही बोला।